अलवर के थानागाजी में हुए गैंगरेप के मामले में मंगलवार को राजधानी जयपुर में भी, आपको बता दें कि हर तरफ ये मामला गरमाया हुआ है और इसी को लेकर राजधानी जयपुर में पुलिस मुख्यालय में डीजीपी कपिल गर्ग ने प्रेस वार्ता की। डीजीपी कपिल गर्ग ने बताया कि नामजद 5 आरोपियों में से एक आरोपी इंद्राज गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया और ये आरोपी प्रयागपुर गाँव का रहने वाला है और वो पेशे से ट्रक ड्राइवर है। डीजीपी गर्ग ने बताया कि मामले के शेष 4 आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 14 टीम तलाश कर रही है और डीजीपी के अनुसार अलवर में 2 मई को पीड़िता ने थानागाजी में गैंगरेप करने का आरोप भी लगाया और उसी दिन मामले में नामजद केस दर्ज कर लिया गया। उन्होंने कहा कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और साथ ही मामला कहीं भी दबाया नहीं गया। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि बांसवाड़ा के मुखबधिर से हुए रेप मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं उदयपुर में दुल्हन का अपहरण सुबह 6:30 बजे किया गया था और इस मामले में आरोपी चिन्हित किए गए। डीजीपी कपिल गर्ग ने कहा कि ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान रेपिस्तान बन चुका है, ये कहना ठीक नहीं है। जो भी अपराध हो रहे हैं मामले दर्ज कर उनकी पुख्ता जांच हो रही है। और साथ ही एडीजी क्राइम बीएल सोनी ने कहा कि हमारा मकसद है ना केवल मामला दर्ज हो बल्कि मुजरिम को तुरंत ही गिरफ्तार किया जाए, कोर्ट में पर्याप्त सबूत के साथ पेश हो ताकि हर संभव तरीके से मुजरिम को सजा मिल सके। दो तारीख को थाना गाजी थाने पर एक गैंग रेप का अभियोग दर्ज हुआ है, जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया कि वो अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी, उसे रास्ते में 5 लोगों ने 2 मोटरसाइकिल पर आकर रोका और एक किनारे ले गए। उसने उन 5ों पर मारपीट करने का, गैंग रेप का, 5ों द्वारा बलात्कार करने का और कुछ छीना झपटी करके सामान ले जाने का आरोप लगाया। प्रकरण 2 तारीख को दर्ज हुआ है। उन्होंने 2 मुलजिम भी नामजद किए, जिनमें से हमारी तफ्तीश से हमने अब तक 5ों मुलजिमों को नामजद कर लिया है और एक मुलजिम को आज गिरफ्तार कर लिया गया।